इसमें अगर कोई सटेगा तो उसमें करंट लग जाएगा। या मैं पीछे टच कर रहा हूं तो देख सकते हैं कितना करंट, यानी कि फुल करंट आ रहा है, ठीक है, पूरे बॉडी में करंट आ रहा है। तो ये क्या रीजन है, ठीक है, इसको कैसे सही करेंगे, इसके बारे में सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों की डिमांड पे होने वाला है, ठीक है। अब वो क्या डिमांड है कुछ लोग समझ गए होंगे। दोस्तों मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और इंस्टा पे डीएम भी कर रहे थे कि मेरे फ्रिज में करंट आता है, फ्रिज को अगर टच करते हैं तो करंट लग जाता है, कुछ निकालने के लिए फ्रिज को खोलते हैं तो करंट लग जाता है, या फिर कोई बच्चा इसको छू देता है तो करंट लग जाता है, आते जाते किसी भी कारणवश अगर फ्रिज के बॉडी में टच हो जाता है तो करंट लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों ये कॉमन मिस्टेक है, हर फ्रिज में कभी ना कभी आता है ये करंट, और क्यों आता है, इस करंट को कैसे आप रोक सकते हैं और खुद को करंट लगने से कैसे बचा सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल्स में क्लियर करूंगा। ऐसे ही ये मेरे पास फ्रिज आया है जिसके बॉडी में करंट आ रहा है और बहुत ही ज्यादा करंट आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने टेस्टर लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं मैं इस स्क्रू में टेस्टर लगा रहा हूँ, देख रहे हैं कितना फुल वोल्टेज जल रहा है, यहाँ देख रहे हैं कितना फुल वोल्टेज जल रहा है। तो ये जो करंट आ रहा है इसमें अगर कोई सटेगा तो इसमें करंट लग जाएगा। या मैं पीछे टच कर रहा हूँ तो देख सकते हैं कितना करंट, यानी कि फुल करंट आ रहा है, ठीक है, पूरे बॉडी में करंट आ रहा है। तो ये क्या रीजन है, ठीक है, इसको कैसे सही करेंगे, इसके बारे में सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। जैसे देख सकते हैं ये नीचे भी मैं सटा रहा हूँ तो करंट आ रहा है, यहाँ भी सटा रहा हूँ तो करंट आ रहा है, यहीं भी सटा रहा हूँ, देख रहे हैं हर जगह बॉडी में इसमें करंट आ रहा है। तो ये करंट क्यों आ रहा है, क्या रीजन है और इसको कैसे सही कर सकते हैं, इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों फ्रिज से रिलेटेड मैंने बहुत ऐसी वीडियो बना रखा है जो कि आपके काम की वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 5-6 ऐसी वीडियो है जो फ्रिज के कॉमन मिस्टेक्स के बारे में मैं बना रखा हूँ और क्या क्या उसमें कमियां हैं, कैसे उसको आप हैंडल कर सकते हैं ताकि आपके फ्रिज का लॉन्ग लाइफ होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा और आई बटन में भी कुछ वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों इस फ्रिज का करंट खत्म करने के लिए, इनके बॉडी पे जो करंट आ रहा है उसको खत्म करने के लिए मैंने एक वायर लिया है, 1 mm ले सकते हैं, 0.75 mm, 1.5 mm, कोई भी जो भी वायर है आपके पास वो आप वायर ले सकते हैं, बस खाली उसमें लाइन पास करना चाहिए, लाइन तार सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने कहां जोड़ा है आप यहां देख सकते हैं, यहां से हमने जोड़ करके इसको इस तरीके से यहां लाया है फ्रिज के बोर्ड के पास, ठीक है, इसको हमने यहां ले लिया है, ठीक है दोस्तों, और इसको हम इस बोर्ड में जोड़ने वाले हैं। तो ये मैं आपको बस करके दिखा रहा हूं, उसके बाद हम एक अर्थिन करेंगे जमीन में, आप सरिया भी डाल सकते हैं, किसी छत के पिलर से आप ले सकते हैं, घर के पिलर से भी डाल सकते हैं, टाई बीम से डाल सकते हैं, दोस्तों कहीं से भी इसको अर्थ होना चाहिए, बस आप 4-5 फीट अंदर सरिया भी डाल देंगे तो काम हो जाएगा। दोस्तों ये फ्रिज में ही नहीं, हर एक चीज में आपको बॉडी अर्थ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, मिक्सर मशीन हो, ओवन हो, या फिर वॉशिंग मशीन हो, समरसेबल का स्टार्टर हो, बॉडी अर्थ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको कभी ना कभी सामना करना पड़ सकता है कि आप स्टार्टर को छुएंगे तो करंट लगेगा, वॉशिंग मशीन में कपड़ा निकालेंगे तो करंट लगेगा, मिक्सर मशीन से मसाला निकालेंगे तो करंट लगेगा, फ्रिज को छुएंगे तो करंट लगेगा। तो ये चीज जरूर आप अपने घर में कर लेना, और वायरिंग के साथ अगर नई वायरिंग करवा रहे हो तो बॉडी अर्थ का तार उसमें जरूर से जरूर डलवाना, ठीक है। तो अब हम बोर्ड को फटाफट से खोल लेते हैं और इसको अंदर कनेक्शन करके किस तरीके से कनेक्शन करना है, कहाँ पे कनेक्शन करना है, ये मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये बोर्ड को हमने ओपन कर लिया है और बोर्ड को ओपन करने के बाद इसको मैं अंदर लेता हूँ और सॉकेट के पीछे चलते हैं, बोर्ड के पीछे। तो आप लोगों को इसमें 3 टर्मिनलें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, सॉकेट में हमेशा 3 टर्मिनलें होती है, 1, 2 और 3। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 टर्मिनलें जो इसमें है, तो एक में तो न्यूट्रल पड़ता है, एक में फेस पड़ता है, एक को हम लोग खाली छोड़ देते हैं। दोस्तों इसी में बॉडी अर्थ का तार को दिया जाता है, इसी में बॉडी अर्थ के वायर को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम बॉडी अर्थ के वायर को जोड़ लेते हैं, जैसे कि ये हमने वहां से लाया है, तो इसको हमें करना है कि 2 सॉकेट है तो दोनों में हम लगा देते हैं। इस तरीके से टुकड़ा हमने लगा लिया है और यहाँ पे सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम लगा देंगे, जैसा कि आपको मैं अभी इसका प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हो गया उसका। यहाँ पे आप लोग अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पे आपको N लिखा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आप अगर गौर से देखते हैं तो आपको L लिखा दिखाई देगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको अर्थ का सिंबल बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल होता है ऊपर वाला, ये अर्थ का टर्मिनल होता है, और ये बड़ा क्यों होता है इस पर मैंने एक वीडियो डिटेल से बना रखा है, अगर आप लोगों को इसकी जानकारी है तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताइएगा, और अगर जानकारी नहीं है तो वो वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, सारा कुछ डिटेल्स में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम टाइट करते हैं, ये हमारा अर्थ का कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हमने बोर्ड में बॉडी अर्थ के वायर को जोड़ दिया है, अब आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी मैं
टच करता हूँ तो कहीं पे करंट नहीं आ रहा है। यहाँ हमने टच किया था तो यहाँ भी करंट आ रहा था, यहाँ हमने टच किया था तो यहाँ भी करंट आ रहा था। अब देख सकते हैं कहीं भी आपको करंट देखने को नहीं मिल रहा होगा। मैंने इधर पीछे टच किया था तो पीछे भी करंट था, अब आपको कहीं भी करंट देखने को नहीं मिल रहा होगा। अब आप लोगों को लगेगा कि इसमें लाइन है कि नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ करके स्टेबलाइजर में लाइन भी है और यहाँ देख सकते हैं फ्रिज में लाइन आ भी रहा है। ठीक है, तो ये मैंने फ्रिज के जो बॉडी पे करंट आ रहा था इसका यही सोल्यूशन है कि उसमें आप बॉडी अर्थ दे दीजिए। अगर आपको यहाँ बोर्ड में नहीं कसना है अर्थ को तो आप यहाँ पे भी कस सकते हैं। ये जो बॉडी है लोहे का, इसमें स्क्रू वगैरह लगी होती है, इस स्क्रू को कहीं पर भी ढीला करके आप उसमें तार जोड़ करके यहाँ पर भी आप सैया डाल देंगे 2 फीट का, तो आपके बॉडी अर्थ यानी कि इसका जो बॉडी का करंट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को फिर एक बार दोहरा देता हूँ कि अगर वहां पे जुगाड़ नहीं है तो आप जहाँ पे फ्रिज रख रखे हैं वहां पर भी 2-3 फीट का सरिया गाड़ देना, इसमें अंदर धंसा देना जमीन में और उसमें से जोड़ करके बॉडी में कहीं पर भी स्क्रू ढीला करके उसमें लगा देने से आपके फ्रिज के बॉडी का करंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने फ्रिज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और खुद भी सावधान रहे, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझ में आया होगा। अब आप लोग भी अपने घर में बॉडी अर्थ डालेंगे या फिर फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, किसी भी चीज में अर्थ डाल के चलेंगे, आपके जान का सेफ्टी है, आपका खुद का सेफ्टी है। उसमें फ्रिज में आप नहीं देंगे तो फ्रिज के का तो कंपोनेंट्स में तो प्रॉब्लम आता ही है, साथ ही साथ आपके भी जान का खतरा हो जाता है। तो आप लोग ये चीज जरूर करें। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं, यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ऐसी ऐसी जानकारियां हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को जानकारियां देता रहता हूँ, जो कि आपको अदर चैनल पे इस तरीके से डिटेल्स में समझाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। मैं आप लोगों को तोड़ फोड़ करके बहुत ही आसान भाषाओं में सिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी, सारा कुछ डिटेल्स में समझ में आ जाएगा और वो भी अपने फ्रिज को या फिर अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।